धर्मशाला में होने जा रही प्रदेश की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को अभी तक 11 करोड़ की आर्थिक मदद प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के माध्यम से जबकि 1 करोड़ रुपए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए मिले हैं। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि एक नया कार्य प्रदेश में होने जा रहा है और यह इवेंट पहली तरह का प्रदेश में होने जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से विकास बढ़ता है, जहां भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुई उस राज्य को लाभ हुआ है। हिमाचल की परिस्थितियों को देखकर यह काम कई बार कठिन भी लगता है क्योंकि निवेशकों का दिल जीतना आसान नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल कई गुना बेहतर है। आज धर्मशाला में प्रेस वार्ता में सीएम ने कहा कि बाहरी निवेशकों का दिल जीतना भी आसान नहीं होता। हिमाचल में कानून व्यवस्था बेहतर है, शिक्षा में हम पहले, पर्यावरण में हम दूसरे, हेल्थ में दूसरे और उद्यमिता में देश भर में चौथे स्थान पर है। इतना आगे होने के बावजूद जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा तो लगा कि जब बाकी राज्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सीएम ने कहा कि हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, 4 लेन और NH का काम हो रहा है, प्रदेश में एक बड़े एयरपोर्ट पर भी काम चल रहा है। सीएम ने कहा कि नई पहल करते धर्मशाला में 7-8 नवंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समय दिया है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में विदेशों से आने वाले 200 निवेशक मेहमानों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। एक नया कार्य, एक नया इवेंट हिमाचल प्रदेश जो है वो करने जा रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक नए विजन के साथ हम लोगों ने एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 7 और 8 तारीख को नवंबर को यहाँ धर्मशाला में तय किया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी इनॉग्रेशन में आ रहे हैं इस काम को शुरू करने के लिए, और उसके बाद हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस इवेंट को समापन करने के लिए आ रहे हैं। ये इवेंट अपनी तरह का पहला इवेंट हिमाचल प्रदेश में, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक अच्छा रुझान हमने इन्वेस्टर्स का इसमें देखा है और पूरे देश भर से और देश के बाहर से भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के आने की संभावना हिमाचल प्रदेश में हमको लग रही है। अभी तक जो हमारे पास MOUs साइन हुए और MOUs का अभिप्राय ये नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट आ गया, उस दिशा में एक संभावित एक आंकड़ा होता है, उसमें लगभग 82,000 करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट की संभावना हम देख रहे हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि लगभग 200 डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ साथ में मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश भर से बहुत नामी ग्रामी जो इस प्रकार के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो आ करके यहाँ इसमें हिमाचल प्रदेश के इस इवेंट में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो बहुत बड़ी एक उम्मीद है और मैं सकता हूँ उम्मीद के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए और एक शुरुआत है ये, और आने वाले समय में इस काम को जारी रखना चाहिए क्योंकि रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएँ इसमें विद्यमान हैं और हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए भी बहुत बड़ा योगदान हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। हिमाचल में पहली बार इस तरह की नई शुरुआत हुई है, यहाँ जो स्थापित उद्योग हैं चाहे टूरिज्म में हैं चाहे दूसरे हैं, उन लोगों को भी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो उनको कैसे देख रहे हैं सर, किस तरह से उनको जो है वो बेहतर या जल्द उनके लिए जो रुके हुए कार्य। मैं इस बात के लिए मानता हूँ कि समय हर चीज़ के लिए लगता है, और लेकिन कुछ नए इनिशिएटिव हमने जो पॉलिसी के माध्यम से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से जो हमने करने की कोशिश की, उसके रुझान उसका जो है परिणाम अच्छा दिखने को हमको मिला है, और उसके कारण जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हुई है और इन्वेस्टमेंट पे लोग आ रहे हैं। सर कितने इन्वेस्टर मीट को लेकर के केंद्र सरकार से कुछ आर्थिक सहायता भी? मुझे ये भी खुशी है कि अभी तक हमको लगभग 11 करोड़ रुपए जो हमको केंद्र सरकार से मिले, 10 करोड़ जो है हमको जो है वो पीयूष गोयल जी के माध्यम से और एक टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश इस समिट को ऑर्गेनाइज करने की मदद करी। सर इन्वेस्टर मीट के लिए धर्मशाला ही क्यों चुना गया, इसके पीछे कोई? धर्मशाला हमारे प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है भौगोलिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, और मुझे इस बात की खुशी है कि धर्मशाला में
एक साल में दो बार प्रधानमंत्री जी आए, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की। और ये इवेंट ऐतिहासिक इवेंट जो है यहाँ धर्मशाला में होने जा रहा है, इसके माध्यम से पूरे प्रदेश के विकास में तो योगदान रहेगा, लेकिन हिमाचल को और हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला को अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो है एक अलग पहचान मिली है। सर, प्रधानमंत्री जी आने स्पेशल पैकेज की मांग प्रदेश सरकार करेगी? देखिए, ऐसा देखिए, हम पैकेज के लिए बहुत ज़्यादा आग्रही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बातें केंद्र से मदद के रूप में जिस रूप में जो चीज़ मिल सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।